हाँ सही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव मुझे आपके साथ, मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि भाई आप छोटी सी अपडेट है ये आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तमाम तर वो बंदे जो पाकिस्तान इंडिया में बसे हुए हैं, पाकिस्तान में यानी कि फंसे हुए हैं, बोल रहे हैं सऊदी अरबिया के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए है जी। मैंने कुछ वाकयात, कुछ न्यूज़ सुन रहा हूँ इसके मुतल्लिक। एक भाई ने तो मुझे अभी लाइव किस्सा भी सुनाया है इसके मुतल्लिक, उसका भाई वहां पर मौजूद है पाकिस्तान में, सऊदी अरबिया में आना चाहता है, तो एजेंट वगैरह उसे क्या बोल रहे हैं, यानी कि 17 मई को सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल हो रखी हैं, ये तो अब सबको भाइयों को पता है। और किन ममालक के लिए यानी कि बहाल हो रखी हैं, और कौन से सऊदी यानी कि सऊदियों के लिए बहाल हो रखी हैं जी, किन ममालक के लिए सफर कर सकते हैं, आ सकते हैं, उन 20 कंट्रीज की फ्लाइट्स अभी भी बंद हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया का नाम सर फहरिस्त है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो आप भाइयों को इसके मतलब यार इल्म होगा ही कि पाकिस्तान से और इंडिया से आप सऊदी अरेबिया के लिए भाई सफर नहीं कर सकते हैं। 17 मई को भी आपकी फ्लाइट नहीं खोली गई है। अच्छा, कुछ बंदे अभी जिनको भाई इसके मतलब अभी तक इल्म नहीं है, वो एजेंटों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम टिकट लेना चाहते हैं, 17 मई को फ्लाइट खोल रही है, 18 की दे दो, 19 की दे दो, 20 की दे दो, या 17 की मिल जाए तो वो दे दो। तो एजेंट उनको आगे से बोल रहे हैं हाँ टिकट मिल जाएगी आपको 1 लाख की, 1 लाख 20 की, 1.5 लाख। कुछ बंदे तो बोल रहे हैं 2-2 लाख की टिकट सेल हो रही है जी। यार भाई किस चीज की टिकट सेल हो रही है, आप किस चीज पर पैसा लगा रखे हैं? सऊदी अरबिया की तो फ्लाइट्स बंद हैं, होगा क्या जब आप टिकट उसको पैसे दे देंगे, हाँ मुझको टिकट दे दे, वो टिकट बुक करके आपको ऐसे ही किसी ना किसी पेपर के ऊपर या ऐसे ही टिकट बुकिंग कर आपको निकाल कर वाई वगैरह वाली कोई ना कोई दे देगा। और उसके बाद जब आप बोलेंगे कि भाई ये तो फ्लाइट ही बंद है, तो वो बोलेगा यार ये हाँ पहले उन लोगों ने ऐलान किया था अभी बंद कर दी गई है, तो मैं आपकी टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। होगा क्या अगर आपने 1 लाख 20 की, 1 लाख 30 की टिकट ली है, वो आपको भाई वापस 1 लाख करेगा, बोलेगा ऊपर वाले कट गए, ये हो गया वो हो गया, 20-30 हज़ार का आपको चूना लगा देगा। तो कोई भी टिकट लेने की क्या जरूरत है भाई, पहले सऊदी अरेबिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो खुलने दें, उसके बाद ही टिकट की तरफ जाइएगा।